गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जूली सा। आज मैं कचरी बनाने जा रही हूँ, जो कि बिहार में इसे कचरी नाम से जाना जाता है। इसे हम पकौड़ी भी बोलते हैं और ये बेसन की बनती है। ये एक मैं प्याज काटी हूँ बारीक, और एक और काट लूँगी बारीक, बड़े साइज में दो प्याज लूँगी काट के बारीक। ये दोस्तों मैंने बारीक प्याज काट ली हूँ, अब सारे एक बॉल में मैं ले लूँगी। और ये दो मिर्चियाँ भी मैं काट ली हूँ बारीक। सारी सामग्रियाँ ये मिला लेंगे, और ये एक आधी चम्मच ये अजवाइन डाल लेती हूँ इसमें, एक चम्मच। ज़्यादा है तो एक चम्मच डाल लीजिए अजवाइन, थोड़ा बना रहे हैं तो आप आधी चम्मच डालिए अजवाइन। ये सारे प्याज एक बॉल में मैं निकाल लूँगी, और इसमें आप धनिया का पत्ता ये सब भी आप काट के डाल सकते हैं, लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक एक चम्मच सारी सामग्रियाँ डालेंगे। और अभी मैं लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, और धनिया का पत्ता मैं सिंपल में अभी बना रही हूँ, प्याज और मिर्ची के कचरी। और ये आधी चम्मच, एक चम्मच छोटी मैं गरम मसाला ली हूँ, और ये एक चम्मच हल्दी ली हूँ छोटी चम्मच, और ये एक छोटी चम्मच मैं मिर्ची पाउडर डाली हूँ, लाल मिर्ची पाउडर। और इसमें अब मैं बेसन डालूँगी 4 चम्मच, 4 या 5, 6 भी डाल सकते हैं, ज़्यादा प्याज है तो आप 6 चम्मच डाल लो। मैं 6 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि बड़े साइज में प्याज है। और इसमें अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब मैं इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालूंगी। मैंने इसमें चुटकी भर खाने का सोडा इसलिए डाली हूँ जो ताकि वो कुरकुरे और अच्छे बने क्रिस्पी। और कई लोग तेल में तल के नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम उस कचरी में जो तेल घुस जाता है तो उसका तेल नहीं घुसने का है, तो आप इसमें 1 चम्मच या 1.5-2 चम्मच ये गरम करके तेल डाल दें, तो जब आप बनाएंगे तो उसमें तेल नहीं घुसता है। बनाइएगा तो कई लोग तेलीय पदार्थ नहीं खाते हैं तो उसके लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद अब हम सारी सामग्रियाँ मिला लेंगे और इसे पानी में गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि वो गीली ना हो। अगर थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो हम बेसन और थोड़ा मिला लेते हैं, क्योंकि कचरी के लिए टाइट गूंधेंगे बेसन। गीला नहीं करेंगे। और डाल लीजिए क्योंकि थोड़ा गीला लग रहा है, तो मैं थोड़ा बेसन मिला लेती हूँ। और
इसे 5 मिनट तक इस तरह से बेसन को मिलाएंगे। ये देखिए अभी ये थोड़ी मीडियम में, ज़्यादा गीले भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ये देखिए, ताकि ये इसके इस तरह से गूंधेंगे आटा, ये बेसन की, ताकि ये कचरी के साइड ऐसे ऐसे बन जाए, चिपटे नहीं तो वो पिघलेंगी। तो इस तरह से बना लेंगे हम सारा। अब मैं गैस जला के एक कढ़ाई को मैं पूरे फुल लो करके गरम कर लेती हूँ। जब ये पूरी तरह से गरम हो जाए तो हम इस तरह से तेल घुमा लेंगे। आप उसको तेल में भी तल के निकाल सकते हैं, मैं कम तेल में बना रही हूँ। इस तरह से तेल घुमा लेंगे चारों साइड और कढ़ाई के चारों साइड इस तरह से घुमा लेंगे। और जब ये कढ़ाई गरम हो जाए तो मैं अभी चपटे करके बेसन के जो मैं बनाई हूँ प्याज की कचरी, तो उसे मैं इस तरह से चपटे बना लूँगी सारे। छोटे भी आप बना सकते हैं, मैं बड़े बड़े बना रही हूँ। इस तरह से कचरी बना लेंगे हम, जितने आपके पेन में बैठता है आप उतनी कचरी डाल दीजिए। इस तरह से चपटा करके डालेंगे। कम तेल में बनाना है तो इसी तरह से बनाएंगे, और अगर आपको तेल में फ्राई करना है तो आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं इस तरह से चपटे करके। जब ये बन जाए तो आप इसके चारों साइड से इस तरह से तेल घुमा लें थोड़े थोड़े, ऊपर से भी डाल दें इस तरह से। और इसे जब ये पक जाए, अभी ये नहीं पकी है तो इसे हम पलट लेंगे, अभी थोड़ी कच्ची है तो इसे पूरी तरह से पीछे की साइड पकने देते हैं, फिर उसे हम पलट लेंगे। ये देखिए मैंने पलट लिया है सबको इस तरह से, थोड़ा 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 हल्का फुल्का तेल इसके ऊपर घुमा दीजिए, नहीं तो घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी मीडियम लो करके इसे अच्छी तरह से पका लेंगे कुरकुरे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने छोटे बड़े सारी कचरियाँ बन गई है, वाह कितनी सुंदर बनी है, और कुरकुरे भी बनी है। ये देखिए कितनी कुरकुरे बनी है, ये देखिए सुंदर, और तेल भी नहीं इसमें गया है। और कई लोग ऑयली पदार्थ नहीं खाते हैं तो उसके लिए ये अच्छी है, इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अच्छी लगी तो कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।